बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी एकदम नए तरीके से हम आपको बना के दिखाएंगे। हमने इधर गाजर ले लिया है, अच्छे से छील के इसको धुल के साफ कर लिया है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले हमने गाजर को कद्दूकस करके अच्छे से रख लिया है। इधर हमने काजू बादाम को अच्छे से तोड़ के रख लिया है। अब चल रहे हैं, सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे। हमने इधर कढ़ाई रख दी है, गर्म हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से। घी गर्म हो गया है, इसमें हमने जो काजू और बादाम को तोड़ के रखे थे इसको भून लेंगे। काजू और बादाम को भून के निकाल लिया है, इसमें हमने घी डाल दिया है। घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो रहा है, तब तक हम इसमें एक इलायची तोड़ के डाल देंगे, क्योंकि इलायची डालने से बहुत अच्छा महक आता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। आज हम बहुत अलग तरीके से गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हम जो गाजर कद्दू कस करके रखे हैं इसमें इसको डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला चला के इसको मिक्स करेंगे, जो घी है वो सारा मिक्स हो जाएगा। दो से तीन मिनट हो गया है, देखिए कलर चेंज हो गया है, पूरा सूख गया है इसमें जो पानी था थोड़ा गाजर का। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। हमने बड़े दाना के ली है इसीलिए हम डेढ़ कटोरी चीनी डालेंगे, नहीं तो दो कटोरी चीनी में डालते। अभी हम इसको मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। निकाल के रख लेंगे, एकदम सूखा हो गया अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी हमने निकाल लिया है, अब इसी कढ़ाई में हम दूध डालेंगे। अभी हमने 2 लीटर दूध लिया है, हमने दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा कर लिया था, अभी हमें और गाढ़ा करना है इसको। हमें इसी कढ़ाई में डाल देना है और दूध को हम अच्छे से गाढ़ा करेंगे, जैसे हम खोया बनाते हैं सेम उसी तरह हमें इसका खोया बना के तैयार करना है। अभी दूध में उबाल आने लगा है, हमें इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से ऐसे तेज गैस पे इसको मैं पका के गाढ़ा करना है। खोया बन के तैयार हो गया है, अब इसमें हम जो गाजर का बना के रखे थे उसको डालेंगे। हमें खोया बना के ही डालना है, दूध में नहीं डालना है। दूध में डालने से क्या है, ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना अच्छा ये खोया बना के आएगा खाने में। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, देखिए देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नारियल का बुरादा। हमने जो काजू और बादाम को भून के रखा था उसको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है, अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। अभी हमने गाजर का हलवा बना के तैयार कर दिया, देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।